हेलो फरहान, तुम आ गए हो ना? मैं बस आ रही हूँ। क्या समर घर छोड़कर चली गई? अम्मी पापा वो ठीक तो है ना? ओके ओके, मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह, ये रमन ने क्या बेवकूफी कर दी? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। क्या हुआ फरहान? बाबा वो रमन का फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। कहाँ जा सकती हो? कॉलेज में भी नहीं थी, जाएगी भी तो किसके पास? बाबा अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। चलो ठीक है, उसको चलो। सवेरा मेरी जान, मैं तुझे क्या बताऊं, रमल के घर से भाग जाने पर जो इस घर में तमाशा मचा हुआ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम यहां होती ना तो बड़ा मजा आता। क्या कहा अम्मा, सच में अभी आ जाऊं क्या घर पे? अरे नहीं, भावली होगी ये क्या, तुम वही रहो, कहीं रमल सचमुच तुम्हारे घर से भी ना भाग जाए। अरे अम्मी, रमल तो यहाँ बहुत मजे से है। रमल ने अच्छा किया यहाँ आकर, कम से कम उसके माँ बाप को उसकी कदर का एहसास तो हो। अरे हाँ भाई, वैसे रमल से ज्यादा ना मुझे तो उसकी माँ का चेहरा देख देख के खुशी हो रही है। क्या उतरा हुआ चेहरा है, बड़ी अक्कड़ थी ना उसमें अपनी बहन को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर। अब देखो उसकी ही बेटी घर से कैसे भागी है। वैसे अम्मी आपका भी जवाब नहीं, क्या प्लान बनाया आपने? अच्छा सुन, रमल को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस उसे ये लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा हमदर्द इस दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। हाँ अम्मी ऐसा ही है, लेकिन हमारे लिए रमल की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सबसे प्यारी बच्ची है, और अब इसके माँ बाप को भी इसकी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। ठीक है। हेलो जी दादी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस जिन्हें परेशान करना है उन्हें तो मैं करूँगी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर, बस तुम ना वहाँ आराम से रहो। जी, खुदा हाफिज़।